जिस बंदे को जो चाहिए अगर उससे आप कनेक्ट कर दो उसको जो आपको चाहिए, तो बंदा मोटिवेटेड हो जाएगा वो काम करने के लिए। अगर आप उसको फोर्स कर रहे हो वो करने के लिए जो आप चाहते हो या आपको लगता है कि ये करना आपके लिए और उसके लिए सही है, और आप उसको मोटिवेट कर रहे हो ये ज्ञान दे करके, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। जो उसको चाहिए अपनी लाइफ से, हो सकता है वो बिल्कुल अलग हो उससे जो आपको चाहिए, तो आप एक से लाख उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। बट अगर आपको समझ आ जाए कि उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, और उसको आप कनेक्ट कर दो उससे जो आप चाहते हो, तो वो भी मोटिवेट हो जाएगा, आप भी मोटिवेट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अपने एक फ्रेंड को लेकर के गया था वहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में, ज्वाइनिंग फीस बहुत ज़्यादा थी, दैट वाज अराउंड 70,000। तो 70,000 क्या, 70 रुपये भी कोई नहीं देता आज की रेट में किसी को। तो उसने एक मिनट नहीं लगाया, एकदम से दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको बोलता कि ये यहाँ पे ज्वाइन कर ले, यहाँ पे इतना पैसा आएगा, इतना ये होगा वो होगा, उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है पैसे में। उसका इंटरेस्ट किस में है? मॉडलिंग में है। तो मैंने क्या किया, मॉडलिंग को कनेक्ट कर दिया इससे। ये देख, तुझे मॉडलिंग करनी है, उसके लिए तुझे पोर्टफोलियो बनवाना है। तेरे घर वाले मॉडलिंग के लिए, पोर्टफोलियो के लिए तो पैसा देंगे नहीं तेरे को, और बढ़िया पोर्टफोलियो कम से कम 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये किससे कम का नहीं बनेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? बॉम्बे तू जाएगा स्ट्रगल करने के लिए, एक साल तक तेरे घर वाले तेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके लिए तुझे पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? उसने कहा कम से कम 15-20 लाख रुपये चाहिए। तो 15-20 लाख रुपये कहाँ से आएगा? है कोई तेरे पास में ऑप्शन? देख, यहाँ से आ सकता है। कितने टाइम में आ सकता है? अगले एक साल के अंदर अंदर आ सकता है। और आ गया था उसके पास, बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। तो मैंने क्या किया, मॉडलिंग को कनेक्ट कर दिया इस काम से कि मॉडलिंग में तू सक्सेसफुल तब हो पाएगा जब तू ये करेगा। तो तुझे इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट होके क्या होगा, ये जब पैसा तेरे पास में होगा तो तू आराम से जा सकता है, तेरे घर वाले तुझे मना नहीं करेंगे, ऐसे सोचा जाता है। तो ऐसे काम ऐसे हो जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये हर एक जगह पर सच है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ यहां पर सच है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इसमें इट्स कॉल्ड अ विन विन सिचुएशन। ये रिलेशनशिप में भी सच है, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी ये सच है। इफ यू आर अ हस्बैंड, तो आपको समझना पड़ेगा आपकी वाइफ को क्या चाहिए। वो कब समझ सकते हो? जब आपका ध्यान वहां से हटे कि मुझे क्या चाहिए। हम इतना ज्यादा एंटैंगल्ड होते हैं अपने ड्रीम्स में, अपने एम्बिशंस में, अपने गोल्स में, कि हम देख ही नहीं पाते कि सामने वाले के ड्रीम्स क्या हैं, सामने वाले के एम्बिशंस क्या हैं, सामने वाले के गोल्स क्या हैं। हम इतना फंसे होते हैं उसमें जो हमको चाहिए, इतना ज्यादा सेल्फिश होते हैं, इतना हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, 24 घंटे बस अपने बारे में सोच रहे होते हैं सुबह से रात तक, कि हम कभी देख ही नहीं पाते कि सामने वाले को क्या चाहिए। अगर हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें होगा मुझे क्या चाहिए, जैसे कोई सेल्समैन आपके पास आया इंश्योरेंस प्लान बेचने के लिए, उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि मुझे क्या चाहिए, तो वो नहीं बेच पाएगा। बट अगर वो समझ जाए कि आपको क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके अंदर किस तरह के डर है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको अगर वो देख पाए और उसी लैंग्वेज में बात कर पाए, उसको ये लगे कि ये तो मतलब वो बड़े आराम से कनेक्ट कर जाएगा। और जहां वो कनेक्ट कर गया, वो फिर एक दिन के लिए नहीं जुड़ेगा, वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। अब उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि मुझे इस प्लान में ज्यादा पैसा मिलने वाला है, ऐसे जोड़ना होता है और ऑनेस्टली सामने वाले को बताना होता है कि मैं ये कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म विजन चाहिए होती है दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। शॉर्ट टर्म में जो लोग सोचते हैं, जिनकी सोच छोटी होती है, जो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, वो कभी भी दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते, वो अच्छे लीडर नहीं होते हैं। जितने कम आप सेल्फिश हो, उतने ही अच्छे आप लीडर हो।